ये मछलियों को पकड़ने का नया तरीका है क्या? ओए ना ना, तू तो जीव जंतु को प्यार करने वाली टाइप की है ना, तू क्यों मछलियां मारेगी? नहीं, तुम्हारी ये बेकार की बातें नहीं सुननी है मुझे। मुझे क्या लगता है मैं जोकर हूँ जो हर किसी को हंसाता रहता है? तेरे काम की बात थी इसलिए आया था। कैसी बात? अब आई ना लाइन पे, देख यहाँ का हाल तो तूने देख ही लिया है। टेस्ट ऑफ करने के बाद भी हमें फेल कर दिया जाता है। जिसका जैसा मन करता है वो वैसे रूल्स को मोड़ देता है, तो हम क्यों उनके कायदे कानून का वजन लेके घूमते रहे? मतलब अगर वो चीटिंग करके हमें टेस्ट में फेल कर सकते हैं, तो हम भी तो चीटिंग करके टेस्ट में टॉप कर सकते हैं। क्या बोलती है, बनेगी पार्टनर? ये तुम्हारे लिए अच्छा आइडिया होगा, लेकिन ये मेरा स्टाइल नहीं है। मैं अपनी ईमानदारी इसलिए छोड़ दूं क्योंकि सामने खड़ा हुआ दुश्मन बेईमान है, अभी अपने ऊपर से यकीन नहीं उठाए, और जब उठ जाएगा ना तब पार्टनर बन जाऊंगी। और यही तो मात खा गया इंडिया। वैसे क्या कुड़ी है बॉस, इस फूलन के चक्कर में रहा ना तो मुझे भी चरखा चलवा देगी, पर शर्त के लिए तो मैं भी चरखा चलाऊंगा। ओए नैना जी, ओए नैना देवी, मैंने कहा सुन तो यार। वैसे आपके हाथ की कॉफी की बात हुई थी, रेस्टोरेंट में नहीं। थैंक यू। कॉफी मैं बनाऊं या कहीं बाहर आके पिए, मतलब तो साथ बैठ के पीने का था, करेक्ट? एक्चुअली क्वाइट राइट। और वैसे भी शायद मुझे इस आउटिंग की काफी जरूरत थी। मुझे हिलाने के लिए थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। हम कब तक एक दूसरे को सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर जानेंगे? विद मी, हाय, आई एम रितु। कैप्टन, आई मीन राजवीर। आप कितने कॉन्शियस हो जाते हैं, लगता है पर्सनल रिलेशनशिप्स आपको सूट नहीं करते। आज तक के एक्सपीरियंसेस तो कुछ ऐसे ही रहे। खैर जाना पीजिए कॉफी। बेटा आप आल हैव अ डीकैफ। एक डीकैफ और एक नॉर्मल सिंपल कॉफी। You're good looking. आप इंटेलिजेंट हैं, और सबसे बड़ी बात तो आप एक आर्मी ऑफिसर हैं। आर्मी पर्सनल पर तो काफी लड़कियां मरती हैं। हाँ शायद, लेकिन वो सारी बातें जो बाकी आर्मी ऑफिसर्स के लिए प्लस पॉइंट होती हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए कभी लकी साबित नहीं हुई। आपने आजमा कर देखा कभी? कई बार, लेकिन जिस लड़की के साथ दोस्ती से बात आगे बढ़ी, उसे अपना फ्यूचर एक आईटी के साथ जरा से क्यों लगा? और वो चली गई? हाँ चली गई। बिग एप्पल, यूएस, अपने आईटी लवर के साथ। आपने कभी दोबारा कोशिश नहीं की उससे मिलने की? नेवर। नहीं नहीं, दोबारा किसी और से दोस्ती से आगे बात बढ़ाने की। मैं सकल अभी के साथ मेरा कनेक्शन काट दूंगी।
नीचे आ जाइए प्लीज। अगर मन करेगा तो जंप कर दूंगी। अरे पूजा बीन की है, क्यों झूम रही है नीचे? नहीं आऊंगी मैं नीचे। उसकी हटेली है, वो नहीं आएगी। अपन उसको ऊपर जाके लेके आते हैं। चुका है शानी, बोलती है अगर कोई ऊपर आएगा तो मैं नीचे जंप कर दूंगा। हेलो हेलो, हमें पूजा से बात करनी थी। पूजा घई, आप कौन? रोहित, रोहित आहुजा। ओके कैडेट्स, तुम लोग ये पोजीशन लोगे, जैसे वो बेवकूफ लड़की कूदेगी वो इस मैट्रेस पे गिरेगी। बस के पकड़ो। पूजा गई कौन है? उनका फोन है। फोन पर कौन है? रोहित। रोहित, रोहित जल्दी नीचे, तेरे लिए फोन है। मुझे किसी से तो क्या मैं बोल दूं रोहित को कि पूजा ने बात ही करनी है? हाँ बोल दे। क्या कहा तुमने? किसका फोन है? रोहित, तू झूठ बोल रहा है ना हुड्डा? अगर मुझ पे विश्वास नहीं तो ऑर्डर लीजिए मुझसे। पूजा नीचे आ, जल्दी आ ना। खा, कसम खा। चल खाई यार, नीचे आ जा। कहाँ रह गई पूजा? रोहित का नाम सुनते तो उन्हें दौड़े दौड़े आना चाहिए था।
आने दो ना सर, उसके छावे का फोन है, नहीं तो फिर से ऊपर चढ़ जाएगी। वो पंजाबन ने क्या सही बैंड बजाई ना नायर की। हेलो रोहित। हेलो पूजी। ओए रोहित तू ही है ना। हेलो हेलो रोहित, तू बोलता क्यों नहीं, तू है ना फोन पे। कैसी है तू? कैसी होंगी, जब तू छोड़ के चला गया था तब नहीं सोचा ये। मांगता हूँ, गलती हो गई, सॉरी कह रहा हूँ ना तुझे। पर ये तेरी आवाज को क्या हो गया? जरूर फिर से ज्यादा आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया होगा है ना। चल बोल कब आ रहा है तू। आ रहा हूँ ना मैं, बस थोड़ा काम बचा है वो खत्म करके आ जाऊंगा मैं। इतने दिनों के बाद तो तेरा कनेक्शन लगा है और तू फिर भी बोल रहा है अभी नहीं आऊंगा। अगर मिलने का मन नहीं था तो क्यों फोन किया मुझे, तुझे बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है। अरे परवाह है, तभी तो तेरे घर फोन करके तेरा नंबर लिया यहाँ का। तो फिर ले जाना मुझे यहाँ से, कहीं मन नहीं लगता तेरे बगैर। मुझे नहीं रखना कोई भी कनेक्शन इस एकेडमी के साथ, हम दोनों वापस चले जाते हैं जलंधर। नहीं पूजी, थोड़ा काम बचा है मेरा, टाइम लगेगा मैनू। तू समझता नहीं, तुझे पता नहीं है कितना मुश्किल है यहाँ पर रुकना, रोज नए नए टेस्ट होते हैं, अगर मैं फेल हो गई तो ये लोग मुझे इस एकेडमी से बाहर फेंक देंगे। अरे तो तुम मन लगा के टेस्ट में ध्यान दे, ठीक ही रहे वहां पर, मैं तेरे को फोन करता रहूंगा ठीक है। वैसे पूजी तेरा एकेडमी में कोई दोस्त वोस्त तो नहीं बना ना? अरे तुझे कोई अच्छा तो नहीं लगता ना? ओए नहीं रे मेरे रांझे, मेरा मोबाइल तो अभी भी सेम तेरे मोबाइल कंपनी का है, सेम प्लान पर, हम दोनों के बीच में किसी और का कनेक्शन लग ही नहीं सकता है। चल ठीक है बाद में फोन करता हूँ। पर रोहित सुन तो। हेलो मेजर नायर, मेरे वार्निंग देने के बाद भी तुम कैडेट सिंह को हर टेस्ट में फेल करते रहे और ये उसी का नतीजा है कि कैडेट घई जैसी कमजोर लड़की हमारी एकेडमी को चैलेंज करके चली गई और अब तुम चाहते हो कि मैं कैडेट घई को इस एकेडमी से बाहर कर दूं? सॉरी सर, पर अगर इन कैडेट्स को एकेडमी के डिसिप्लिन तोड़ने के लिए चेक नहीं किया गया तो कल कोई दूसरा कैडेट सर उठाए खड़ा होगा। वो सर एकेडमी की चार दीवारी के अंदर उठेंगे, मगर हम उन उंगलियों का क्या करेंगे जो एकेडमी के बाहर से हम पर यहां उठेंगे। कंचनजंगा मिलिट्री एकेडमी का एक कैडेट गद्दार निकलता है, कंचनजंगा मिलिट्री एकेडमी की दूसरी कैडेट सुसाइड करने की कोशिश करती है। क्यों, क्या हो रहा है एकेडमी में? इन सब सवालों का जवाब देना पड़ता है मुझे, समझे तुम? कोई सवाल नहीं उठेगा सर, इस बात की खबर इस एकेडमी से बाहर नहीं जाएगी। पर बाहर से जो अंदर आकर बैठा है उसकी रिपोर्ट में तो जाएगी, उसे कैसे रोकोगे? मैं उसे बार बार इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। डोंट वरी सर, उस हंगामे के वक्त कैप्टन राजवीर इस एकेडमी में था ही नहीं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए, जा सकते हो। राइट सर। ये मेरा लास्ट टेस्ट है, इसे पार करने के बाद ही मैं कॉम्पैक्ट ड्रिल तक पहुंच पाऊंगी। आप जानते हैं ना ये मेरे लिए कितना जरूरी है, मुझे हिम्मत देना बाबा। अली, अरे दूर से बात क्या कीजिए, होश खो बैठे हैं क्या? हाँ
सुनेगा तो तू भी होश को बैठेगा। तुझे पता क्या हुआ? रोहित का फोन था, रोहित में गाली, रोहित को पता चल गया। मुबारक हो। क्या कहा उन्होंने? यही कि जब तक उसका काम पूरा नहीं होता है तब तक मुझे इस अकेडमी में ही रहना है। ओ, इसका मतलब आपको आज की टेस्ट पास करनी पड़ेगी। चलिए आज आखिरी टेस्ट है डॉक्टर शालिनी की। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, सेम टू यू। चले, सॉरी। पवित्र सरकार, सरकारी हिंदी में आप पवित्र हो और अंग्रेजी में पवित्र क्या मतलब? सॉरी सर। हाँ आप चलो। कैरेट सिंह, आप जानती है ना इन्फर्मरी टेस्ट लास्ट टेस्ट है। यस सर। सर आई एम सॉरी, ग्रेड्स देखने के बाद मैंने आपको। कैरेट सिंह, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हुआ उसे भूल जाओ। सर इस सिस्टम ने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी भूल नहीं सकती। ये सिस्टम मेरे साथ बहुत अनफेयर रहा है सर, एंड फॉर ऑल यू नो आज भी। कैडेट सिंह, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सिस्टम में रहकर जो इस सिस्टम से लड़ सकता है वही ये लड़ाई जीतने की उम्मीद कर सकता है। और वैसे भी गीता में कहा है ना, सिर्फ अपना कर्म करो, तुम्हारा ध्यान अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने में होना चाहिए। आपकी तैयारी पूरी है? यस सर, और मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर भी अगर मुझे एकेडमी से निकाला जाता है तो मैं जाऊंगी सर, पर उस सोल्जर की तरह जो आखिरी तक लड़ा। दैट्स इट। ये जज्बा तुम्हारी ताकत है कैरेट सिंह, एक सच्चे सिपाही की निशानी, इसे कभी मत खोना। ऑल द बेस्ट सर। आप वहां होंगे, इस टेस्ट में मेरा फ्यूचर टिका है सर। मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वहां मौजूद रहूं। और वैसे भी मेजर नायर तो वहां पर मौजूद होंगे, सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज आई बिलीव इन यू। कह रहे नैना For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.